नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ मकई भेल। मकई भेल बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। मकई या कॉर्न 150 ग्राम, कटी शिमला मिर्च आधा कप, कटा प्याज आधा कप, कटी हरी मिर्च 2 से 3, कटा टमाटर आधा कप, चना दाल नमकीन 2 चम्मच, मूंग दाल नमकीन 1 से 2 चम्मच, भीगा हुआ पोहा या चिड़वा 2 से 3 चम्मच, नींबू का रस 1 से 2 चम्मच या स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, धनिया चटनी 1 से 2 चम्मच, इमली की चटनी 1 से 2 चम्मच, पुदीना 1 चम्मच, तुलसी की पत्तियां 7 से 8। सबसे पहले मकई को धो कर साफ कर लेंगे और 1 गिलास पानी में नमक और 1 चुटकी हल्दी डालकर 1 उबाल आने तक उबाल लेंगे और छल्ली में डालकर पानी से अलग कर लेंगे। अब 1 कटोरे में उबला हुआ कॉर्न, चना दाल नमकीन, मूंग दाल नमकीन, शिमला मिर्च, कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च स्वाद अनुसार, पोहा 1 से 2 चम्मच, चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला स्वाद अनुसार, पुदीने के पत्तियां हाथ से तोड़कर सामग्री में डालेंगे, धनिया चटनी, इमली की चटनी स्वाद अनुसार, नींबू का रस स्वाद अनुसार डालकर मिश्रण को चलाते हुए मिलाएंगे। अब तुलसी की 7-8 पत्तियां हाथ से लेकर तोड़कर डालेंगे। आप इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं और दोबारा से सामग्री को चलाएंगे। अब मकई भेल को 1 कटोरे में निकालकर परोसेंगे। आप इसका सेवन नाश्ते में भी कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।